अंसार रजा साहब, लेकिन ये जो बीजेपी का स्टैंड है उसने कहा हाँ हमने तो किया, हमने बाबरी विध्वंस किया और हमें उस पर गर्व है, किस तरह से देख रहे हैं आप? कॉम्प्रिहेंसिव मैं लौट रही हूँ मोनिका जी आपके पास। अंसार रजा, चित्रा जी मस्ती से मस्ती करते रहे चार साल तक, बल्कि पांच हो गए, मस्ती से मस्ती करते रहे पांच साल तक, ठोकर लगी तो राम के चरणों में आ गए। क्या ठोकर लगी है? ये ठोकर लगी कि कोई मुद्दा अब नहीं चल रहा है इनका, सारे जितने मुद्दे थे सब भुना लिए हैं, आखिर घूम फिर करके उनको राम मंदिर पर आना पड़ा। अभी मोनिका जी चूंकि नई नई अभी आरएसएस विचारक बनी है तो थोड़ा सा भी उन्हें फर्क महसूस नहीं हो पाएगा कि मोहन भागवत की बात को काटना है कि मोदी जी की बात को काटना है, वो थोड़ा सा भी वक्त लगेगा उन्हें। मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि आप बेशक राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़िए, राम मंदिर हमारे हिंदुस्तान की शान होगा जब भी बनेगा, वो एक अलग मैटर है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये लोग एक स्टैंड पर कायम क्यों नहीं है? मोनिका जी बताएं, प्रेम शुक्ला जी बताएं कि इस पांच साल में कितने मर्तबा देश के प्रधानमंत्री ने बनना चाहिए, ये गलत तरीका है, में बनना चाहिए एएसआई ने क्लियरली, अरे सुन लीजिए मोनिका जी, संविधान के दायरे में बनना चाहिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड है। मैम हम भी कह रहे हैं संविधान के दायरे में बनना चाहिए, हम भी कह रहे हैं संविधान के दायरे में बनना चाहिए, सुन लीजिए, मैंने कहा संविधान के दायरे में नहीं बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में डिले, मोनिका जी कौन कहेगा कि संविधान के दायरे में नहीं बनना चाहिए? इसके लॉयर्स बोला, मैं बोलूंगा तो फिर आप बोल नहीं पाएंगी, कोर्ट में डिले करते हैं। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मोनिका जी बहुत बड़े वकील हैं आप, सुन लीजिए, मोहन भागवत साहब ने कहा था सर आप गलत बोलेंगे तो उसको हम रिबट करेंगे, आप सीधा बोलिए, तो आप सांस तो ले लीजिए, कांग्रेस ने और कम्युनिस्ट ने, कांग्रेस की बात ही नहीं हो रही यहां, बात हो रही भाजपा की, क्यों बात हो रही आरएसएस की? राम मंदिर बनने आप में तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मोहन भागवत साहब ने जिस दिन कहा था कि चाहे आप ऑर्डिनेंस बनाइए चाहे कानून बनाइए लेकिन राम मंदिर बनाइए, चौथे दिन या पांचवें दिन देश के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया कि हम संविधान के बाहर नहीं जा सकते, आप किसको से बैठ करके बात कर रहे हैं? राम बहस के लिए और मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ज्यादा भाषण मत करो, मेरे एक सवाल का जवाब दो कि पांच साल में कितने बार तमाम मोहन भागवत ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि मंदिर बनाओ? पांच साल में कितने बार प्रधानमंत्री ने अपने एमपीओ को बुला करके कहा कि हम मंदिर के मामले में बात करना चाहते हैं? चुनाव आ गया तो मंदिर मंदिर करने लगे। नहीं नहीं अंसार रजा साहब, बाहर बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश तो हुई थी, तो किसने की? आपके समुदाय से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे थे जो तैयार नहीं थे। ये प्रोपेगेंडा जो बताया गया है हम तैयार नहीं है, अरे देश का प्रधानमंत्री मुखिया है, एक बार बुला के बात तो करे, वो तो बात करने को क्यों बुलाए? प्रधानमंत्री क्यों बुलाए? बाकी लोगों को जिनको जिम्मेदारी नहीं, बाकी जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उन लोगों ने बुलाया ना, रविशंकर जी बहुत सारे लोग बाहर निकल कर मुझे कर रहे हैं, श्री श्री रविशंकर आए, मुझे उन्होंने बुलाया, मैंने आपको किसने अथॉरिटी दी बात करने की? बोले नहीं मैं तो बड़े भाई के नाते आया हूँ, जब उनको भी प्रधानमंत्री उनको भी जलील कर दिया, तो आप लोग नहीं चाहते हैं ना? हम क्या चाहते? नहीं चाहते, चाहते तो ये बीजेपी खुद नहीं चाहती चित्रा जी के मंदिर बने, ये खुद नहीं चाहते कि मंदिर बने, क्यों नहीं चाहती है बीजेपी? उसका ये मुद्दा है, उसके घोषणा पत्र में है, इनके पास वोट का यही तरीका बचा है। हमें तो एक बात बताइए, मोनिका जी बता दें, प्रेम शुक्ला जी बता दें कि क्या पांच साल में कोई विकास आपने नहीं किया जो आप फिर राम मंदिर पर आकर घूम पर करके? प्रेम शुक्ला जी, मेक इन इंडिया कहाँ है, स्टार्टअप इंडिया कहाँ है, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, 15 लाख उस पर तो बात करने को तैयार नहीं है। जब 2 चरणों के चुनाव के बाद ठोकर लगी उसके बाद राम याद आ गए, आरोप लग रहे हैं आप पर। क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा है चित्रा जी चूंकि चित्रा जी चूंकि इन्होंने जो है सवाल पूछा विकास का, इसलिए मुझे विकास गिराना पड़ेगा। नहीं विकास ना गिराइए, मंदिर के नाम पर पीएम ने कितनी मीटिंग की वो बताइए आप, मोहन भागवत साहब ने कितने बार मुलाकात की मंदिर के नाम पे, सवाल पूछ के भागे जा रहे हो, ये कांग्रेस की तरफ कुकर्म क्यों कर रहे हो? बताइए विकास कुछ बोल रहा, सब झूठ बोल रहे हैं जनाब। अरे चीखो मत को लाल, चीख नहीं रहे हैं, बाबरवादियों के चिल्लाने से राम भक्तों को असर नहीं पड़ता, गली के गुंडे की तरह बात मत किया करो, 50 बार मैंने आपको कहा है कि बंबई के गुंडे की तरह बात मत किया करो, हम भव्य दिव्य बनाएंगे, ये गुंडे पे दिखाना अपने भाजपा में, लुक्खों की तरह बात मत किया करो, लफ्जों में कल्पना लगा करके बात करो, आप बड़े हो हम मतलब से बात कर रहे हैं, बदजुबानी हम भी करना चाहते हैं, लफ्जों की तरह प्रेम शुक्ला जी बदजुबानी हम भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता ये नहीं सिखाती कि हम आपको बुरा कहें, आप उसी हिसाब से बोलिए, मुंबई सलीके से बात करो,
देश देख रहा है, देश के लोग देख रहे हैं। इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्लीज आप लोग मत कीजिए, एक दूसरे के खिलाफ प्लीज आप लोग। हो गया, खत्म करिए इस बात को, खत्म कीजिए इस बात को। एक दूसरे को लेकर बातचीत नहीं करेंगे, मेरे सवाल का जवाब देंगे। दोनों लोगों के ऑडियो को डाउन कीजिए, मैं अखिलेश जी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ मैं एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करती हूं, हम एक बेहद जिम्मेदार चैनल है और इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे।